उत्तरी दिल्ली के पूर्व महापौर योगेंद्र चंदोलिया ने आम आदमी पार्टी पर पलटवार किया। योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि वो पार्षद की खरीद फरोख्त के आरोपों के खिलाफ एसीबी में शिकायत करेंगे। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। कहा अगर उनके खिलाफ कोई सबूत हैं तो वो पेश करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी के आरोपों से उनकी छवि धूमिल हुई है। उन्होंने पार्षदों की खरीद फरोख्त के आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया। आम आदमी पार्टी के सांसद ने आरोप लगाया था कि बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया ने आपके पार्षदों को खरीदने के लिए फोन किया। 10 पार्षदों को 10-10 करोड़ रुपए का लालच दिया गया। 100 करोड़ में 10 पार्षदों को खरीदने की कोशिश हुई। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 11 तारीख को एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि योगेंद्र नाम का व्यक्ति हमारे पार्षदों को लालच दे रहा है। और उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर 3 पार्षद जो आम आदमी पार्टी के थे, जैसा उन्होंने बताया, टेलीफोन कर आम आदमी पार्टी के पार्षदों को फोन किया और कहा कि मैं राजेश गुप्ता जी से मैं आपकी बात करा रहा हूँ। तो राजेश गुप्ता जी ने उनको ये कहा, झूठी मनगढ़ंत कहानियाँ, कि आप हमारी पार्टी में आ जाइए।